नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको यम पूजा की विधि बताने वाली हूँ। आप किस तरह यम पूजा कर सकते हैं और यम पूजा करने के फायदे ये होते हैं कि अगर अकाल मृत्यु के योग हैं तो वो टल जाते हैं, क्योंकि आजकल अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलते चलते पता ही नहीं चलता, दुर्घटना हो जाती है। तो इन सब के बचाव के लिए आप ये पूजा अवश्य करिए, और मैं तो हमेशा से करती हूँ, और आज इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और इसके साथ साथ में अगर आप यम पूजा करते हैं तो इसके पूरे साल आपके धन लाभ भी होगा, बरकत रहेगी घर में। साथ में ये विधि बताने वाली हूँ, एक ही पूजा में आपके दो तरह की बताने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ आपको किस तरह ये पूजा करनी है। आपके पास में मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का दिया बना सकते हैं। जैसे ही आटा गूंथा हुआ है और इस तरह सूखा आटा लगा के और इस तरह थोड़ा फैला लीजिए। इस तरह आटे का दीपक बना लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का है तो आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने आटे का दिया बना लिए हैं, और इसमें ये मैंने तिल्ली का तेल लिया है। आपको सरसों का तेल नहीं लेना, आपको सिर्फ तिल्ली का तेल लेना है। इस तरह दिए में डाल लेना है और चार बाती लगानी है आपको। दिया जला देंगे, इसके बाद में हल्का सा गुड़ डाल देंगे, चावल डाल देंगे, ये रोली डाल देंगे। और इसके बाद में मैंने ये कोड़ी ली है। अगर छेद वाली कोड़ी है तो छेद वाली ले सकते हैं, अगर छेद वाली नहीं है तो ऐसी प्लेन ले सकते हैं। और इस कोड़ी को आपको इस दिए के अंदर डाल देना है। तो इस तरह दिया तैयार करके आपको घर के दरवाजे के आगे रख देना है। लेकिन आपको ये दिया नहीं रखना, घर का जो भी जेंट्स है उसे ही ये दिया रखना है दरवाजे के आगे। और सुबह होने के बाद में जो ये मैंने कोड़ी डाली है उसे निकाल लेना है। तो इस तरह मैं अपने पति को दे रही हूँ, तो ये दिया मेरे पति ही दरवाजे के आगे रखते हैं। इस तरह से दरवाजे के आगे दिया रख देना है। तो ये जो कोटी हमने दिए में डाली है वो ले लेनी है, और उसके बाद में ये कोटी आपको अलमारी में जहाँ आप पैसे वगैरह रखते हैं उसमें आपको रखना है। और इससे आपके पूरे साल में घर में बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी मैया की आप पे कृपा रहेगी। तो ये कोटी आपको फेंकनी नहीं है। तो आपको कोटी अपने अलमारी में रख लेनी है तो इससे बरकत रहेगी। और मैंने ये एक ही साथ में आपको दो उपाय बताए हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही होते हैं। धनतेरस के दिन और शाम के समय ये पूजा की जाती है, और जो दिया रखा जाता है वो करके जो जेंट्स है वो ये रखते हैं खाली, क्योंकि ये यम दिया कहलाता है, इसलिए ये लेडीज नहीं रखती, जेंट्स ही रखते हैं दिए को बाहर। तो आप इस तरह रखिए दिया और यम पूजा कीजिए, और फिर हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।